एक राजा उत्तानपाद जिसके दो ब्याह हुए, दो पत्नी हुई, एक थी सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। लेकिन महाराज उत्तानपाद दोनों में बड़ा भेदभाव करते थे। सुरुचि उनकी लाडली थी, उससे अधिक प्रेम करते थे, और सुनीति को तो त्याग दिया, और सुनीति महल से बाहर एक अपनी झोपड़ी बना के उसमें रहा करती थी। सुनीति के गर्भ से एक बालक का प्रागट्य हुआ जिसका नाम था ध्रुव। बहुत छोटी सी आयु थी ध्रुव की, 5 वर्ष की आयु थी। एक दिन पिता की गोद में जाके बैठना चाहा, लेकिन सौतेली माँ ने गोद से नीचे उतार दिया। रुदन करते करते अपनी माँ के पास आ गए। माँ से कहा कि माता, हमारी वो भी तो माँ है सुरुचि, लेकिन उसने मुझे मेरे पिता के गोद में नहीं बैठने दिया, और कहती है वन में जा, भजन कर, तपस्या कर, भगवान को प्राप्त कर। तो सुनीति माँ ने सोचा कि यही सही मौका है अपने बालक को भगवान से जोड़ने का। सुनीति बड़ी समझदार है, इसलिए समझ से कह रही है कि ध्रुव, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, तेरी माँ ने कोई गलत बात थोड़ी कही है। अगर तू चाहता है तू इस राज्य का राजा बने, तो जा वन में भजन कर, तपस्या कर, और भगवान को प्राप्त कर ले। ये हमारे इतिहास की माताएं हुई हैं जिन्होंने किसी भी रूप से अपने बालकों को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया, ताकि वो भक्ति से जुड़ जाए, भजन से जुड़ जाए। और सुनीति जानती है कि बालक एक गीले सीमेंट के जैसे होता है, जैसे आप कोई सीमेंट की सड़क बनाएं और वो कच्ची हो, अभी गीली हो, उस पर आप जा करके पांव रख दें, कई लोग उस पर अपना नाम लिख देते हैं, पांव रख दे, कोई नाम लिख दे, तो वो छप जाता है। फिर वो जब सूखेगा सीमेंट, तो फिर आप उसे आप मिटा नहीं सकते। बालक भी जो होते हैं वो गीली माटी के जैसे होते हैं। उन पर क्या लिखना चाहिए वो आप निर्णय करेंगे। और बचपन जिसका भजन में लग गया, बचपन से जिसके जीवन में भक्ति आ गई, फिर उसको भक्ति से कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन की शुरुआत भजन से हुई। बालकपन सो हरी भजे जग सो रहे उदास, तीरत हुआ आशा करे कब आवे हरिदास। बाल्यकाल से भजन जिसने किया, मतलब उसने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं भजन किया है, तभी जहां उसका भजन छूटा था इस जन्म ने, उसने वहीं से शुरुआत कर दी। इसलिए कोई बालक अगर भजन में लगे तो बड़े प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। वैसे तो आजकल का समय ही ऐसा है कि बच्चे बालक बाल्यकाल से भजन में लग नहीं पाते, और कुछ लगते भी हैं तो कुछ माता पिता ऐसे मिल जाते हैं कि बालकों को भक्ति से भजन से दूर करने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे ऐसे कौन हो सकता है, ऐसे कौन से माता पिता हो सकते। हमने देखा है आकर के, कई बार लोग बच्चे शिकायत करते हैं, हम कथा में आना चाहते हैं, घर वाले नहीं आने देते, माँ बाप मना कर देते, क्यों, उनको डर लगता कहीं कथा में जाके बाबा जी ना बन जाए, फिर घर गृहस्थी कौन संभालेगा। अगर एक कथा में जाने से सब बाबा जी बन जाते तो बस सारे ही बाबा जी बैठे होते। अगर कोई बच्चा भजन में लग रहा है, भजन के लिए कोई उम्र डिसाइड नहीं की जा सकती है, भजन के लिए बुढ़ापे को छोड़ देते कि लास्ट में करेंगे, भजन के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं की जा सकती। जब जहां भगवान कृपा कर दें, जब बुद्धि आ जाए, भजन तो तभी से आरंभ हो जाना चाहिए, तभी से शुरू हो जाना चाहिए।
तो श्री ध्रुव जी बाल्यकाल में ही 5 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए। घर से निकले तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने छोटे से बालक को जंगल में जाते देखा तो बड़े प्यार से पूछ लिया कि बेटा कहाँ जा रहा है तू? तो कहा कि गुरुदेव मैं वन में जा रहा हूँ भजन करने। भजन करने? आयु क्या है तेरी? बोले महाराज 5 साल की। बोले अभी से भजन करने, अभी से भगवान को प्राप्त करेगा? और 5 साल का बच्चा, तू भगवान के बारे में जानता ही क्या? बता क्या नाम है उसका, क्या स्वरूप है उसका, क्या गुण है उसके? तो ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज ना तो मैं ये जानता उसका क्या नाम है, ना मुझे ये पता कि उसका क्या गुण है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि मैं उसे पाने जा रहा हूं और वो मुझे मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। गुरुजी ने सोचा बस तो भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, तो हम कौन तोड़ने वाले। पर बेटा एक बात बता, जंगल में जा रहा, तुझे पता जंगल में कितने भयंकर भयंकर पशु रहते हैं? अगर किसी ने पकड़ लिया, मार दिया तो क्या करेगा? तो ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु मैंने इतना जीवन में सीखा है कि दो चीज कहीं भी पहुंच सकती है, चाहे वो समुद्र का एकदम गहराई हो या एवरेस्ट की चोटी हो, दो चीजें हर स्थान पर पहुंच सकती है, एक है मृत्यु और दूसरी है भगवान की कृपा। कहीं भी जा सकती है, मृत्यु से भी कोई बच नहीं सकता और भगवान की कृपा भी कहीं पहुंच सकती है। इसलिए महाराज मुझे घबराने की, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव यानी नारद जी ने देखा कि लड़का तो पक्का है, पीछे हटने वालों में से नहीं है। चल तो ठीक है बेटा, मैं देता हूँ तुझे मंत्र, इस मंत्र को जाकर के वन में जाप कर। और वन भी कौन सा? वृंदावन, यानी ब्रज की उस आदि वृंदावन की भूमि पर जाकर के मधुवन में तू इस मंत्र का जाप कर, तुझे जरूर अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। श्री ध्रुव जी आ गए ब्रज के धाम में, ब्रज की नगरी में, और मधुवन में जाके ध्रुव जी ने तपस्या की। तेरा त्रांते कपित्त बदरासन, 3-3 महीने में बेर खा करके, फिर केवल जल पी करके, फिर केवल वायु ग्रहण करके, और एक समय तो ऐसा आया जब श्वास ही रोक दी। 5 वर्ष का बालक कितना घोर तपस्या करे तो देवताओं के भी सिंहासन हिलने लग जाते हैं। देवताओं का सिंहासन हिल गया, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, सब दौड़े दौड़े भगवान की शरण में गए, प्रभु जाओ अपने भक्त को दर्शन दो, नहीं तो हमारे प्राण चले जाएंगे। भगवान आए, आकर के ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो साक्षात भगवान चतुर्भुजधारी श्री प्रभु खड़े हैं। देख करके हृदय एकदम आनंदित हो गया, आनंद से भर गया, हृदय गदगद हो गया। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान ने कहा ध्रुव बेटा तूने 5 महीने तप किया है, इतना घोर तप, बता क्या चाहिए तुझे? ध्रुव घर से तो सोच के आए थे कि मांगेंगे कि हमको राज्य मिल जाए, हमारी मासी ने, हमारी सौतेली माँ ने जो हमसे छीना है वो वापस मिल जाए। लेकिन भगवान के सामने आके लगा ये मांगना तो बड़ा घाटे का सौदा है, इतने बड़े भगवान से एक राज्य का छोटा सा टुकड़ा मांग लोगे तो कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? ये बड़ी बात नहीं कि एक राज्य मांग लिया, एक पद मांग लिया, भगवान सचमुच देनी है तो अपनी भक्ति मुझे दे दो, क्योंकि उससे कीमती संसार में दूसरा कोई नहीं।
पद मिल सकता, पैसा मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, लेकिन भक्ति किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। अब भक्ति का मतलब ये मत समझ लेना कि केवल मंदिर जाके घंटी बजा दी, भगवान के अपनी मनोतियों के लिए धागे बांध आए, शनिवार को शनि देवता को तेल चढ़ा दिया, हो गई भक्ति। ये भक्ति का क्रम नहीं है, ये पूजा हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती है। पूजा को भक्ति का नाम नहीं दे सकते हैं। भक्ति में सब कुछ देना पड़ता है, अपना तन मन धन जीवन सब न्योछावर करना पड़ता है। ध्रुव जी ने सोचा इतने बड़े भगवान से अगर एक राज्य का टुकड़ा मांगू तो यह सौदा कुछ अच्छा नहीं, इसलिए निष्काम भक्ति मांगी।